हाय, कंटिन्यूएशन में पिछले वीडियो से बात करते हैं आगे कि ये पी वैल्यू और टी ये कैसे काम करते हैं और लोअर और अपर लिमिट आती कहाँ से है। एक्सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, ये दो बार देता है, पता नहीं क्या इसका कुछ होगा लॉजिक अपना। एक्सेल के जो फंक्शन हम डिस्कस करते हैं वो बहुत ही कम डिस्कस करते हैं, यानी स्टैटिस्टिकल तो बात ही नहीं करते हम कभी। जैसे टी से रिलेटेड हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक तो टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, ये पी वैल्यू देता है। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कभी ये लगाते हैं टेस्ट, ये हमेशा पी वैल्यू देता है। कैसे, अगर जैसे मैंने कहा कि अच्छा मेरी टी स्टैटिस्टिक्स इतनी है और मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हमेशा रेजिड्यूअल वाला लेना है आपको। इसका क्या मीनिंग हुआ, देखिए एक तो एन माइनस वन तो हम ये करते ही हैं, प्लस जो टी टेस्ट है ना इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एन माइनस टू, यहाँ लेना है आपको। और टिल्ड हमेशा टू टिल्ड पे काम करते हैं, तो इस वैल्यू के साथ पी वैल्यू ये आ जाती है, इतनी हमारी। तो ये जो फंक्शन है हमारा ये काम करता है कि उल्टे पे, कि मतलब अगर आपको टी की वैल्यू पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है और आपका टी टिल्ड है, तो ये आपको पी वैल्यू दे देगा। और अगर उल्टा चाहिए हो, अगर आपके पास पी वैल्यू हो और चाहिए हमें उल्टा कि टी की वैल्यू कितनी होगी, इसको बोलते हैं टी इनवर्स। टी इनवर्स क्या काम करता है, प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर ये प्रोबेबिलिटी है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है तो टी वैल्यू कितनी होगी हमारी, तो ये बोलता है 1.73644। इसका हम यूज करने वाले हैं हमारी लोअर अपर लिमिट के अंदर। अक्सर ये मानते हैं लोग कि लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, दिस प्लस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर कर दो या 2 कर दो या 3 कर दो, ऐसा नहीं होता कभी भी। किससे मल्टीप्लाई किससे करते हैं, देखो इसमें हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 0.05, इस पे काम कर रहे हैं ना हम तो। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा हमारा रेजिडुअल वाला होता है। तो इसकी ओहो इसको मैं बोलता हूँ मार्जिन। तो यहाँ पे मेरी टी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर इतना मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी और इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मुझे 2.306 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। यानी ये जो फंक्शन बनेगा एक्स बार माइनस दिस इंटू स्टैंडर्ड एरर, नॉट 2 और 3। ये आपको इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा आपके टोटल सैंपल पे डिपेंड करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे आपका सैंपल साइज बढ़ेगा ये भी चेंज होगा, अकॉर्डिंगली आपका मार्जिन भी चेंज होगा। तो अभी अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट एक्स बार प्लस, जैसे हम बोलते हैं ना एक्स बार प्लस 3 सिग्मा, पर यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाइड बाई 3 की जगह या 1.96 की जगह इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया 177.6055। ठीक है, और इसके नीचे अगर हम चलें तो यही कैलकुलेशन बन जाएगी एक्स के लिए, 1.0735 समथिंग समथिंग। लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट के लिए बस माइनस करना होता है, दिस माइनस दिस इंटू ये जो मार्जिन हमने निकाल रखा है फिक्स कर दें, ये आ गया -25.03 और 1.44। तो इसका मतलब ये कि जब भी कभी आपको अपर और लोअर लिमिट निकालनी है तो सबसे पहले आपको ये तो फिक्स ही रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा कि कितना आपका। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप हमेशा ये वाला उठा लिया करें जो रेजिडुअल का है ना, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। एक मैं इसको करके देख लूँ इस चीज़ को, क्या ये सही है या नहीं। एक X1 और एक X2, चलो इज इक्वल टू रेंड बिटवीन, ये मैं कुछ रैंडमली डाटा दे रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए ठीक है या नहीं। कॉपी वैल्यू स्टैटिक कर दी और सॉल्वर रिग्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल ये वाला और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों एच के अंदर दे दे। ओके रेजिडुअल नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ये आ गया। तो इसमें हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 ली जाएगी इस केस में, और मार्जिन कितना आ जाएगा हमारा, मार्जिन ऑफ एरर ये हमारा आ जाएगा टी इनवर्स दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2.36 से। तो करके देख लें, अपर लिमिट 22 प्लस स्टैंडर्ड एरर इनटू ये वाली वैल्यू, ये आगे 53.8638 करेक्ट। और इसके नीचे वाली भी देखें तो 0.59512, 1.13। इसका मतलब लेवल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी चेंज होती जाएगी, अकॉर्डिंगली मार्जिन ऑफ एरर आएगा, और ये यू का
फार्मूला, अपर लिमिट का फार्मूला, एक्स बार प्लस मार्जिन ऑफ एरर इंटू स्टैंडर्ड एरर, इससे आपकी अपर लोअर लिमिट निकलती है। सो क्यूरियस किड्स के लिए आई होप दिस विल बी यूजफुल। थैंक यू।